बात करेंगे अब साइबर सिटी गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू शांति नगर की रहने वाली संगीता राघव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश में दूसरा स्थान पाकर शहर का नाम रोशन किया है। हालांकि कुछ वर्ष पहले तक संगीता को इस सफलता की तो क्या इस परीक्षा में बैठने की भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस समय सोचा नहीं था कि वे इस तरह की परीक्षा में बैठेंगी और अब देश में दूसरा रैंक पाने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। जिस माँ के चेहरे पर आप आंसू देख रहे हैं, ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बह रहे हैं। दरअसल संगीता राघव की माँ को अपनी बेटी से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो किसी दिन अफसर बनेगी और बेटी ने माँ का सपना साकार कर दिया है। जितने जैसे सब बच्चे करते हैं, मैंने भी कोई वैसे ही करी है। 4 से 5 घंटे में पढ़ती थी नॉर्मली, और क्या कहते हैं, जैसे जब एग्ज़ाम टाइम आता था तो आवर्स जो होते हैं वो नेचुरली बढ़ जाते हैं, तो 7 से 8 घंटे भी पढ़ती थी। जब मेंस दिया था तो सिर्फ रोज़ 3 घंटे 4 घंटे ही रात में मुझे सोने के लिए मिलता था, बाकी रिवीजन। तो मैं कहूँगी पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप रिवीजन करिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए तो हो जाएगा। कहीं ना कहीं खुद में विश्वास था कि सिलेक्शन तो होगा। जैसे दीदी हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर पे, तो वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा अंडर 5 रैंक आ जाएगा, तो सबको उम्मीद थी हाँ। लेकिन कभी कभी होता था कि खुद पे सेल्फ डाउट होता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जिस दिन अभी रिजल्ट आया है कल, उसी से मैं सुबह ही मैं अपना दूसरे मेंस का एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मैं अपने भाई को भेज रही थी कि आप मेरा ये निकलवा दीजिए, नहीं हुआ तो फिर दोबारा मेंस दूंगी। तो बाकी बच्चों से यही कहूँगी कि आप बस लगे रहिए और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में रखिए और कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहें और अपने सराउंडिंग में आप ऐसे